नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर। हमारी इस खास चर्चा में आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। राजधानी लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश हालात वही जस के तस हैं। कोविड की दूसरी लहर को लेकर के इस डबल म्यूटेंट वायरस से लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं। आंकड़े रोज बढ़ते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का आज का आंकड़ा 33,000 पार कर चुका है और राजधानी लखनऊ का आंकड़ा 5,500। पिछले 15 दिन के आसपास से यह आंकड़ा 5,500 के ही आसपास शायद इस वजह से है क्योंकि टेस्ट करने की जो क्षमता है हमारी वो इतनी ही है और लगातार उस क्षमता को या तो पार कर रहा है या फिर उस क्षमता तक नए संक्रमित मरीज सामने निकल करके आ रहे हैं। इसके अलावा मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए CMO लेटर की अनिवार्यता, उसके चलते मरीजों को कितनी परेशानी हो रही है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारा चर्चा का विषय कि मरीज किस तरह परेशान, CMO लेटर की अनिवार्यता, इसे क्यों ना खत्म किया जाए। बड़ी खबर आपको बता दें, चर्चा की शुरुआत करने से पहले कोविड कमांड सेंटर के बाहर हाहाकार मचा हुआ है। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी लगातार जारी है। प्राइवेट अस्पताल CMO की अनिवार्यता खत्म करने की बात नहीं मान रहे हैं। कोविड कमांड सेंटर के बाहर हाहाकार मचा हुआ है, परिजन परेशान हो रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं मुहैया हो पा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कोविड कमांड सेंटर के सामने हाहाकार मचा हुआ है, अस्पताल में परिजन परेशान हो रहे हैं। CMO लेटर की अनिवार्यता खत्म करने की बात नहीं मान रहे हैं निजी अस्पतालों के सामने DM CMO नतमस्तक हैं। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी लखनऊ में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी लगातार जारी है। हॉस्पिटल बिना रेफरल लेटर के नहीं कर रहे हैं मरीज को भर्ती। लेटर की अनिवार्यता खत्म करने की बात नहीं मान रहे हैं अधिकारी। कौन सुनेगा तड़पते बिलखते तीमारदारों की आवाज। बड़ी खबर इस वक्त, लखनऊ में कोविड कमांड सेंटर के बाहर हाहाकार मचा हुआ है, परिजन हो रहे हैं अस्पताल में परेशान, निजी अस्पतालों के सामने DM CMO नतमस्तक है, प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी लगातार जारी है। तो लेटर की अनिवार्यता खत्म करने की बात अधिकारी नहीं मान रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की कि किस तरह से अब जिंदगी के लिए भी परमिशन की जरूरत है। अब मुझे एक बेड चाहिए। हम मौजूद है इस समय कोविड कमांड सेंटर पे, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ अभी भी यहां पर अपने जो मरीज हैं उनको लेकर यहां पर फरियाद लेकर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहां पर लचर व्यवस्था है, कोई सुनने वाला नहीं है। जो कागज़ दिए जाते हैं वो भी बिना हस्ताक्षर के दिए जा रहे हैं। लोगों का ऐसा कहना है, लोग अपने मरीज को भर्ती कराने के लिए यहाँ पर लेटर लेने आते हैं तो साफ तौर से कहा जाता है कि अब CMO के लेटर की ज़रूरत नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटलों में। लेकिन जब प्राइवेट हॉस्पिटल जाया जाता है वहाँ पर अपने मरीजों को भर्ती कराने के लिए, तो प्राइवेट हॉस्पिटलों का कहना है कि पहले CMO का लेटर लेके आइए। तो जिस तरीके से मरीज की हालत पूरी तरीके से ऑक्सीजन के बगैर वेंटिलेटर पर पहुँच चुकी है, आखिरी सांसें लोग ले रहे हैं और यहाँ से वहाँ लोग दौड़ रहे हैं, कभी इस अस्पताल कभी उस अस्पताल, सभी अस्पतालों में अगर ऑक्सीजन की बात करें तो कुछ ही घंटों और कुछ ही मिनटों की बची हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। किस तरह की परेशानी आपको आ रही है, किस तरीके से आप सर्वाइव करें, क्या दिक्कत है आपको? सर दिक्कत ये कि जब अगर कल आया था ये रूल कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में CMO लेटर के बगैर आपको वो ट्रीटमेंट देंगे,
मैं प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहाँ बेड खाली है, वो कह रहे मुझे रिकमेंडेशन चाहिए। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। मिसकम्युनिकेशन गैप है, कहीं से कुछ हो ही नहीं रहा है सर। मैं सुबह 11 बजे से यहाँ खड़ा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो आते हैं, कागज लेते हैं, फिर चले जाते हैं। एक मिनट के लिए बाहर आएंगे, फिर अंदर चले जाएंगे। अभी किसी से कोई बात नहीं हुई आपकी? कुछ बात नहीं हुई है सर, कोई उपाय कोई सोल्यूशन नहीं निकाल के दे रही है सरकार। आपका मरीज कहाँ पर है और कैसी कंडीशन? मेरे फादर है, मेरे घर में ही है। मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर था, मेरी ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुका है। रिफिल कराने जा रहे हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे ये बता रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ हॉस्पिटल के लिए अब रिफिल होगा, इंसान के लिए, आम इंसान के लिए वो बंद हो गया रिफिल करने का ऑप्शन। दूसरी चीज, उनकी अब 60 ऑक्सीजन चली गई है, उनके अस्थमा है, उनके बीपी है, शुगर है, 4 तरीके की बीमारी है और कोई सुनवाई नहीं है। कल रात से मेरा केस हाई अलर्ट पे लगा है इसी कमांड सेंटर पे, बट कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया है। यहाँ कमांड सेंटर पे लोग अपनी फरियाद लेकर आ रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। किस तरीके की आपको परेशानी यहाँ पर? मुझे रेमडेसिविर चाहिए अपने फादर के लिए। जी, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे मैं, मेरा ये लोग डॉक्यूमेंट्स लेकर अभी तक आए नहीं। मैं यहाँ पे समझ लिया 12 o'clock से खड़ी हुई है और कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कोई अधिकारी यहाँ पर बात करने आपसे, किसी ने कुछ भी बोला हो? नहीं, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं। नहीं। कैसी हालत है आपके फादर की? अब तो स्टेबल है माशाल्लाह, अब देखते हैं। उनको चाहिए ऑक्सीजन की, तब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो COPD के वो है, उनको सेकंड टाइम कोविड हुआ है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार परेशान हो रहे हैं सभी, अपने मरीजों को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अधिकारी आ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन जो मरीज हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के बगैर मरीज मर रहे हैं। जो घर पे हैं अब उनको साफ तौर से मना कर दिया गया है कि घरों के लिए अब ऑक्सीजन नहीं दिया जाएगा, अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा है। सरकारी अस्पतालों की अगर व्यवस्था बताएं तो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, ऑक्सीजन लेवल ख़त्म हो चुका है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पूरी बदहाली में जा चुका है, फिलहाल आनन फानन में अब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन पहुँचाया जा रहा है, लेकिन 2-4 घंटों का ऑक्सीजन और बचा है। अब देखना होगा प्रशासन इसमें किस तरीके की कार्रवाई करता है, किस तरीके से लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करा पाता है। ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है उत्तर प्रदेश की सरकार पर। राजधानी लखनऊ से सफी अहमद की, न्यूज इंडिया। बात कर रहे हैं, हालत बहुत सीरियस है लेकिन ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। खुद पॉजिटिव होके अस्पताल में है तब भी ये मेरे लिए खड़े हुए हैं। ये एक मतलब सांसद जी फोन किए हैं, मुख्यमंत्री जी के OSD जी फोन किए, CMO को कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, DM साहिबा फोन करिए कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। हॉस्पिटलों में सिलेंडर नहीं अवेलेबल है, 24 घंटे में 2 सिलेंडर मिलते हैं। इस तरीके से क्या 26 घंटे से चलते मेरी माँ के पास खड़ा हुआ है, जो सेक्शन है, कोविड रिपोर्ट मैंने भेजी थी, 3 घंटे से मैं खड़ा हूँ। पैर के मेरे हाल आप देख लीजिए, आप ये देख लीजिए, हाँ ठीक है, खड़े खड़े सर, हाथ पैर मैंने कट गया, कट गया मेरा हाथ पैर, काट लीजिए यार, लेकिन एक बेड दिला दीजिए सर। L2 अस्पताल में सिर्फ इतनी निवेदन है, एक चिड़िया बिठा दे यहाँ पे, सिर्फ इतना सर निवेदन है। मेरे पिता 4 महीने पहले मर गए थे, आज अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं भगवान के पास तो उनको ला नहीं पाऊंगा, लेकिन आज अगर इनकी चिड़िया बैठ जाएगी तो शायद वो बच जाएंगे सर। इसलिए खड़े हैं 3 घंटे से, अपनी ऐसी स्थिति में मरती हुई माँ को छोड़ के यहाँ पे एक उम्मीद की किरण के लिए कि शायद काम हो जाएगा। मेरा भाई लाइन पे है, लगा हुआ सर। मेरा नाम सर्वेन त्रिपाठी है और मैं जो है सुबह 11 बजे से यहाँ पे लाइन में खड़ा हूँ। मुझसे पूरी डिटेल ले ली गई है सर। मेरी वाइफ को दिक्कत सर ये है कि उसका रिपोर्ट RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट सर उसका निगेटिव है, लेकिन सर उसके लंग्स में इन्फेक्शन है, खांसी बहुत तेज़ आ रही है। हमने होम आइसोलेशन में रखा है, हमने जितनी दवाएं चला सकते हैं हम लोग चला रहे हैं, लेकिन सर अब खांसी कंट्रोल के बाहर हो रही है। हमने सर उसके लिए बाकी सभी हॉस्पिटल हमने संपर्क किया सर, सहारा में, मेदांता में, वहाँ जो हमने संपर्क किया, सबका एक ही कहना है कि बिना रिकमेंडेशन लेटर के CMO के हम कुछ भी नहीं कर सकते। पहले CMO रिकमेंड करेगा, उसके बाद हम जो है एडमिशन के बारे में सोचेंगे सर। नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। तो चर्चा की अपनी शुरुआत करते हैं और बिना देर किए हमारे साथ जो संवाददाता जुड़े हुए हैं, जो धरातल से हमको ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे कि किस तरह राजधानी लखनऊ का हाल है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोविड कमांड सेंटर के बाहर से वो खड़े हैं। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें कि किस तरह CMO रेफर लेटर को लेकर के एक बड़ा हंगामा मचा हुआ है, कोविड कमांड सेंटर के बाहर हाहाकार है। परिजन जिनके मरीज भर्ती हैं वो अपनों के लिए बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन अस्पतालों की मनमानी लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और इसी खबर पे अपने संवाददाताओं के साथ ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे, रियालिटी जानेंगे कि किस तरह की इस वक्त परिस्थितियां राजधानी लखनऊ में बन रही हैं कोरोना की सूसी महल को लेकर के, जिसमें डबल म्यूटेंट वायरस हावी हो रहा है।
हमारे सहयोगी उमेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी इरफान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असरुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को अपनी विशेष रिपोर्ट दिखा लें, उसके बाद बातचीत करेंगे। इसका एसपीओ 20% है, 1% नहीं लिया जा रहा है, SPO2 इसका बहुत लो है। कोरोना वायरस का संक्रमण उत्तर प्रदेश में कहर मचाने लगा है। यूपी में बुधवार को कोरोना के मामलों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया। राज्य में कोरोना संक्रमण के 33,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। यूपी में बुधवार को कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले राजधानी लखनऊ से आए हैं। लखनऊ में कोरोना के 5,902 नए मामले सामने आए। ऑक्सीजन की कमी से लेकर जीवन रक्षक दवाइयों के लिए जूझने तक मरीजों के परिजन दर दर भटकने को मजबूर हैं और इससे भी ज्यादा परेशानी हो रही है संक्रमित मरीजों को भर्ती होने में। CMO के रेफर लेटर की अनिवार्यता के चलते कई मरीजों को एडमिट होने में समस्या आ रही है, जो इतनी बढ़ चुकी है कि मरीजों की जान पर बना रही है। कोरोना महामारी के दौरान राजधानी लखनऊ के हालत बेहद खराब है। जगह जगह मरीजों की भरमार है और अस्पतालों में बेड नहीं है। इसको लेकर सरकार के दावों में और मौजूदा जमीनी हालत में जो अंतर है वे इन हालातों को और भी खराब कर रहा है। ऐसे में CMO के रेफरल की अनिवार्यता पर सवाल उठ रहे हैं। बीते कुछ दिनों में लोग सैकड़ों की तादाद में घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, इससे उनको और मरीजों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। अभी तक मरीज अगर RT-PCR पॉजिटिव की रिपोर्ट लेकर अस्पताल पहुंचते हैं तो उनसे कहा जाता है CMO का रेफर लेटर लेकर आए, उसके बिना मरीज एडमिट नहीं होगा। इस रेफर लेटर के पहले कोविड कमांड सेंटर की हेल्पलाइन नंबर पर फोन करना पड़ता है, जो घंटों तक बिजी रहने के चलते उठाई नहीं जाती। भाई की तबीयत खराब है, मैं उसके लिए पिछले 12 तारीख से वो कोविड पॉजिटिव है, तब से मैं इनके हेल्पलाइन नंबर पे नंबर मैंने रजिस्टर कर रखा है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अभी मेरा पेशेंट जो भाई है वो मेघबेल हॉस्पिटल में, वहाँ इतनी लापरवाही है कि वहाँ जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फुल पे ऑक्सीजन चल रही है और 55 ऑक्सीजन लेवल है। अब बताइए मैं क्या करूँ, मेरा इतना पैसा मेरा पास अब इतना नहीं बचा है कि मैं अफोर्ड कर सकूँ। सुबह मैं 9 बजे से बैठी हूँ लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। कौन से अस्पताल में कौन सा बेड आपको अलॉट किया गया है इसकी जानकारी मिलने में कई दिन लग जाते हैं। इसी कारण अब ये कहा जा रहा है कि CMO के रेफर लेटर की अनिवार्यता खत्म करके सीधे मरीज को एडमिट किया जाए। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। राजधानी लखनऊ के कोरोना काल में जिस तरह का जो समय चल रहा है वो काफी चिंताजनक है। हम इस समय खड़े हैं राजधानी लखनऊ के मेदांता कोविड हॉस्पिटल के बाहर, जहां पर आपको स्थिति दिखा दें कि हॉस्पिटल में सारे बेड फुल हैं और यहां पर भी समस्याएं तकरीबन बनी हुई हैं। यहां पर भी ऑक्सीजन की समस्या बनी हुई है और हम आपको जो बताना चाहेंगे कि हमारे वो साथ में एक वो तीमारदार के एक रिलेटिव हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर कब वो अपने पेशेंट को लेके आए थे और ये यहाँ संतुष्ट हैं, इन्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम सुधीर त्रिपाठी है। मेरे मामा जी, सगे मामा जी हैं, एडमिट हैं, उनको हम रेफर करा के लाए हैं कल। बड़ी मुश्किल से शाम को 3 बजे से हमें 7:30 बजे यहाँ बेड मिला है। बड़ी मुश्किल से जाकर के हमने यहाँ पे हमें पेशेंट को एडमिट करा पाया है, बट अभी कोई रेस्पिरेटरी इनको डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रीटमेंट मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ दिया जा रहा है, वो होना चाहिए क्योंकि रेस्पिरेटरी डिजीज है ये। अभी प्रॉब्लम क्या थी, अभी क्या थी? उनको शुरू में खांसी बुखार हुआ, उसके बाद सांस में हल्की सी मुश्किल के बाद उनको प्रॉब्लम होने लगी सांस में। उसके बाद हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया, उसके बाद बड़ी मुश्किल से जब वहाँ पे ऑक्सीजन बंद हो गया तो हमें बोला गया कि 45,000 का सिलेंडर मिलेगा, 50,000 का मिलेगा। फिर हमने 10,000 का एम्बुलेंस लेकर के फिर TS मिश्रा गए, फिर बड़ी मुश्किल से लोग बंद हुआ, वहाँ पर भी नहीं हुआ। अंत में यहाँ पे मेदांता में हम आए, यहाँ पे हमें एडमिट करा पाए बड़ी मुश्किल से शाम को 7:30 बजे। तो इससे पूरा खर्च क्या आ रहा है आप तक? हमारा तो पेशेंट का कोविड का हो है तो 1,00,000 रुपये सर हमने डिपॉजिट कराया है। 1,00,000 रुपये हमने डिपॉजिट कराया है। जी, कोविड केस है तो 1,00,000 रुपये लग रहा है, नॉन कोविड है 50,000 लग रहा है। जी, तो आपको हम बता दें कि राजधानी लखनऊ में मेदांता जैसे हॉस्पिटल की ये सिचुएशन है कि आप अपने पेशेंट को पहले तो एडमिट नहीं करा पाएंगे और अगर आप एडमिट करवा भी लेते हैं तो 24 घंटे का 1,00,000 रुपए से अधिक पैसा ये चार्ज कर रहे हैं। ऐसे में कैसे आदमी अपने परिवारजन की जान की सुरक्षा कर पाएगा? गरीब तबके का व्यक्ति 1,00,000 रुपए की व्यवस्था ना कर पाएगा तो क्या जान से हाथ धो पाएगा? के न्यूज़ से इरफान। प्रदीप मोहन जी कौन है?
और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बेड न होने के चलते मरीजों को वापस भेजा जा रहा है। कोविड मरीजों के भर्ती होने से सामान्य मरीज परेशान हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑक्सीजन न मिलने के कारण मरीज अपना दम तोड़ रहे हैं। लखनऊ सिविल अस्पताल से मरीज शिफ्ट नहीं हो रहे। कोविड के 25 मरीज जिला सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल रात से सैकड़ों मरीज वापस जा चुके हैं। कोविड के चलते जो आम मरीज हैं, अब उन पर संकट मंडराने लगा है। ऑक्सीजन की किल्लत से मरीज वापस भेजे जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेड ना होने के चलते मरीजों को वापस भेजा जा रहा है। कोविड मरीजों के भर्ती होने से जो सामान्य मरीज हैं, वो भी परेशान हो गए हैं। ऑक्सीजन न मिलने के कारण मरीज अपना दम तोड़ रहे हैं। हैरान करने वाली खबरें आ रही हैं। सिविल अस्पताल लखनऊ का ये पूरा मामला है, जहां पर मरीज शिफ्ट किए जा रहे हैं। कोविड के 25 मरीज सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। कोविड मरीज होने से सामान्य मरीजों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। कल रात से सैकड़ों मरीज वापस किए जा चुके हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जो ऑक्सीजन की किल्लत से मरीज वापस भेजे गए, बेड ना होने के चलते जो सामान्य मरीज हैं, अब उन पर संकट मंडराने लगा है। ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मरीज जो हैं अपना दम तोड़ रहे हैं। वहीं सामान्य मरीजों के लिए भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोविड के 25 मरीज सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। होम आइसोलेशन वालों को ऑक्सीजन देने पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर लखनऊ से, अभी तक होम आइसोलेशन की बात कर रही थी सरकार कि आप होम आइसोलेशन हो जाएं, लेकिन अब होम आइसोलेशन वालों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, सिर्फ अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। नई खबर ने और परेशान कर दिया है, होम आइसोलेशन वालों को ऑक्सीजन देने पर रोक लगा दी गई है। अब सिर्फ अस्पतालों में ऑक्सीजन देने के आदेश से जो परेशान है मरीज, जो घर पर आइसोलेशन में हैं, उनको मुश्किलें आ रही हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ है, ऊपर से ये खबर जो होम आइसोलेशन में उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई सिर्फ अस्पताल में होगी। सिर्फ अस्पतालों को ऑक्सीजन देने के आदेश से जो मरीज होम आइसोलेशन में, उनके लिए एक बड़ी मुसीबत है ये। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फॉरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड 19 की लहर का सामना कर रहा है, और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड 19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है, दवाई भी कड़ाई भी। यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है।
मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हां, 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें, इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क जरूर पहनें। पिछले एक साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है, इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। ऑक्सीजन सप्लाई पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। पीएम ने अफसरों और मंत्रियों को ऑक्सीजन पर निर्देश दिए। बिना रुकावट राज्यों तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो, ऐसा कहना है पीएम का। ऑक्सीजन की जमाखोरी पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। ऑक्सीजन सप्लाई पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर। पीएम ने अफसरों और मंत्रियों को ऑक्सीजन पर खासा निर्देशित किया है। बिना रुकावट राज्यों तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो, ऐसा कहना है पीएम का। वहीं ऑक्सीजन की जमाखोरी पर तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं प्रधानमंत्री की ओर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑक्सीजन सप्लाई पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। पीएम ने अफसरों और मंत्रियों को ऑक्सीजन पर निर्देश दिए हैं। बिना रुकावट राज्यों तक ऑक्सीजन की सप्लाई हो, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री का। और इसी बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां शिखर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। ऑक्सीजन खत्म होने से आफत में मरीजों की जान है। बिना ऑक्सीजन मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। शिखर हॉस्पिटल का यह पूरा मामला है, जहां ऑक्सीजन खत्म होने से हड़कंप मच गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिखर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है। ऑक्सीजन के खत्म होने से जो मरीज वहां पर भर्ती हैं, वो परेशान हैं, उनकी जो जान है आफत में पहुंच चुकी है। तो लगातार कोरोना संकट गहराता जा रहा है। जिस तरह से सूबे के हालात हैं लखनऊ के, वो बड़े ही डराने वाले हैं। हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं, ऐश्वर्या हमारे साथ, साथ ही साथ 3 संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, उमेश मिश्रा, असरुल सिद्दीकी, इरफान अब्बासी। हम सबसे पहले ऐश्वर्या के पास आएंगे। ऐश्वर्या, जिस तरह से लखनऊ में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, एक और फरमान आता है कि जब ऑक्सीजन जो है वो अस्पताल को सीधे सप्लाई की जाएगी। लेकिन कुछ ही देर पहले हेल्थ सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनका कहना था जो होम आइसोलेट हैं उनको ऑक्सीजन, वो अपना होम आइसोलेट रहे, उनकी अवधि बढ़ा दें, लेकिन उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। कितनी बड़ी समस्या है ये। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी समस्या है, स्थितियां बहुत खराब हैं। हमारे सारे संवाददाता जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग धरातल से हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह सीएमओ का रेफर लेटर, उसे लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कमांड सेंटर से कहा जाता है कि अब अनिवार्यता नहीं है, और अस्पताल में मरीज पहुंचता है अपनी आरटीपीसीआर की पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर के, तो उससे कहा जाता है लेटर लेकर के आइए वरना आपके मरीज को हम भर्ती नहीं करेंगे। इस कश्मकश में मरीज 2-4 अस्पताल भटकता है और फिर शायद मरीज की मौत भी हो जाती है। ऐसे बहुत केसेस सामने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे कमांड सेंटर के बाहर वो खड़े हुए हैं। उमेश, इस वक्त कैसी परिस्थितियां हैं वहां पर? कोविड कमांड सेंटर के बाहर ही खड़ा है। अब देखिए, तमाम ऐसे मरीज हैं, परिजन हैं, जो अपने परिजनों की सहायता के लिए यहां पर आए हैं, लेकिन शायद कोई भी मदद नहीं उनको मिल पा रही है, कोई बहुत सही जानकारी नहीं दे पा रहा, उनको बता नहीं पा रहा। तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे इस पर हम बातचीत भी करेंगे। कहाँ से आए आप? क्या दिक्कत क्या है? क्या मामा जी का 15 तारीख को, 15 तारीख का अभी तक कोई बेड नहीं मिल पा रहा है।
यहाँ पे आए हैं, अप्रूवल मिल गया है, अप्रूवल कब होगा कुछ नहीं पता है। नहीं, सीएमओ ने अप्रूवल दे दी, कौन आता अंदर हम सब कुछ नहीं पता है। यहाँ पे सब लिख के दे दिया कब आएगा, अब एक बंदे हैं और 3 दिन से अप्रूवल लेके बैठे लेकिन कोई फोन नहीं आया है। तब क्या होगा कुछ नहीं पता, सीएनजी ऑक्सीजन का इंतजाम करने जाते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, आदमी आम आदमी कहाँ जाएगा ये बताइए। हम लोग घर पे ऑक्सीजन लेवल उनकी 50 हो गई मामा जी की, हमारे तमाम ऐसे लोग हैं जो मदद के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन आप आप खुद मरीज की आप बीती सुन रहे हैं इस वक्त की क्या मरीज कह रहा है। दोबारा आऊंगी उमेश आपके पास, हमारे सहयोगी इरफान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेदांता अस्पताल के बाहर से खड़े हैं। इरफान, प्राइवेट अस्पतालों की इस वक्त कैसी स्थिति है कि वहां पर ऑक्सीजन और बेड मुहैया हो पा रहे हैं? मेदांता हॉस्पिटल के कोविड इमरजेंसी के ठीक बाहर खड़ा हुआ हूँ, जहाँ अंदर जाने की एंट्री तो नहीं है लेकिन उसके बाहर परमिशन दी गई है। कई फोन करने के बाद हमें यहाँ लाइव करने की परमिशन दी गई है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर मीडिया कर्मियों पे कितनी तरीके से पाबंदी लगा रखी गई है। यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल ये मेदांता है, यहाँ पर एक 24 घंटे का जो पैसा है वो 1 लाख रुपए के आसपास का है और वो भी जूनियर डॉक्टर इसको ट्रीट कर रहे हैं। कई लोग हमारे साथ थे लेकिन अभी उनके पेशेंट की हालत काफी गड़बड़ हुई तो हॉस्पिटल के अंदर गए हैं। कई लोगों ने अपनी आपबीती बताई है। ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था मेदांता में भी आपको खुद करनी पड़ेगी, 1 लाख रुपए 24 घंटे का रेट है इस हॉस्पिटल का, और आपको अपने पेशेंट के लिए जद्दोजहद करके लाइनों में लेके ब्लैक में सोने चांदी के भाव से ज्यादा महंगा आज की तारीख में लखनऊ में ऑक्सीजन है। आप अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर मौके पर जाएंगे तब मेदांता जैसा इतना बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तब आपके पेशेंट को देखेगा और उसका जो एक दिन का रेट है वो 1 लाख रुपए से ऊपर है। जयश्वर्या, असरुल के पास हम आना चाहेंगे, असरुल भी वहां मौजूद है लखनऊ में। असरुल, किस तरह की स्थितियां देखी जा रही? अब ये कहा जा रहा है जो रेफरल लेटर है वो बहुत जरूरी, जबकि सरकार की तरफ से भी कहा गया था अगर आपके पास COVID-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट है तो आपको दाखिला मिल जाएगा। ये सॉरी जी, बिल्कुल सही है। और लखनऊ के हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटलों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इतनी खराब है कि लोगों का जो विश्वास था एक डॉक्टर के ऊपर कि भगवान की तरह होते हैं, लोगों को बचाने में वो काम करते हैं, मगर वो विश्वास जनता के बीच से हटता चला जा रहा है। क्योंकि जब अस्पताल जाते हैं तो उनको इस तरह से घुमाया जाता है, परेशान किया जाता है कि वो बेचारे समझ ही नहीं पाते, उतनी देर में उनके मरीज डेथ हो जाती है, कभी ऑक्सीजन के नाम पे, कभी दवाओं के नाम पे। साथ ही अतुल, ये भी खबर आ रही लखनऊ से, कई सारे हॉस्पिटल्स ने ये बोला है कि हमारे पास 2 घंटे का ऑक्सीजन है, कोई बोल रहा है हमारे पास 5 घंटे की है, तो स्थितियां बड़ी डराने वाली हैं। क्या वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी शाम तक, या जितनी ऑक्सीजन उनके पास बची है ताकि जो मरीज हैं उनकी जान पे कोई आफत ना आए? ये टीवी पे सुनने में बड़ा अच्छा लगता है जब मोदी जी और उनके प्रवक्ता ये कहते हैं कि ऑक्सीजन भरपूर है मेरे पास और बेड भरपूर है, मगर जब जमीनी स्तर पर देखा जाता है तो ना ही ऑक्सीजन मिलता है और ना ही बेड है। बेडों की कमी इतनी ज्यादा है यहाँ निजी हॉस्पिटल की, वो हालत है कि हम बता नहीं सकते हैं। सिर्फ पैसा लेने के नाम पर वो कस्टमरों को परेशान करते हैं, मरीजों को परेशान करते हैं, उसके बाद जब पैसा उनसे नहीं निकलता है तो वो कहते हैं अपने मरीज को जहाँ ले जाना चाहे ले जाए। बिल्कुल, सिर्फ लखनऊ की ही नहीं पूरे सूबे की ऐसी स्थिति बनी हुई है। आप सभी का शुक्रिया, ऐश्वर्या आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जो स्थिति है वो विकराल होती जा रही है, चाहे वो लखनऊ हो चाहे सूबे के बाकी प्रदेश हो। अब किस तरह से सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में आपसे इजाजत लेंगे, आप देखते रहिए के न्यूज़।